कोयले के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का वनांचल रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक, जहां कई खदानें आज खुल चुकी हैं और इन खदानों से लगातार लोग परेशान हैं और इस परेशानी के कारण वे इस क्षेत्र में खदान नहीं चाहती। लेकिन पूरे देश के कॉरपोरेट जगत के नामचीन हस्तियां आज रायगढ़ की ओर रुख कर रही हैं और जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं। गुजरात इलेक्ट्रिकल एवं महाराष्ट्र कोल ब्लॉक को प्रारंभ करने के लिए प्रशासन को ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। तीन बार ग्राम सभा के आयोजन के बाद भी ग्रामीण अपनी जमीन पर उक्त दोनों कंपनी को जमीन नहीं दे रहे हैं। अभी शासन प्रशासन के द्वारा लिखित में लेटर दिया गया था हमको कि अभी जो 14 गांव हैं इसमें जितने भी शासकीय जमीन है, वन भूमि है, छोटे झाड़ के जंगल हैं, नदी नाला तालाब हैं और जो आदिवासी किसानों को अपने जीविकोपार्जन हेतु जो एक एकड़ 50 डिसमिल ऐसा कुछ जमीन दिए थे, उसको ग्राम सभा में प्रस्ताव करके कंपनी के नाम से देने के लिए कहा गया। हमको अपने घर द्वार से उजाड़ करके दूसरे जगह लोग भेजना चाह रहे हैं। तमनार ब्लॉक में 61 पंचायत हैं, जिनमें से 8 पंचायत में अडानी कंपनी द्वारा कोयला खदान खोलने की बात चल रही है, जिसके कारण अडानी कंपनी जिले के आला अधिकारियों के साथ मिलकर कुल 115.231 हेक्टेयर भूमि को अडानी के कोयला खदान खोलने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर 15 दिवस में जनपद कार्यालय में जमा करने को कहा है। एनओसी न देने पर धारा 40 के तहत सरपंचों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पे 8 खुली खदानें हैं, इसके बावजूद यहाँ पे लगभग 56 पावर प्लांट्स हैं, जिससे पर्यावरणीय नुकसान जिस हद तक हो रहा है उससे यहाँ के स्थानीय हो, चाहे ग्रामीण हो, फसल हो, वनोपज संग्रहण हो, ये तमाम चीजें प्रदूषित हो रहा है। अगर सरकार नहीं मानती है तो जन आंदोलन के साथ साथ यहाँ के जो जन प्रतिनिधि है कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो लगभग 16,000 लोगों को इसका सीधा असर होगा। इन नोटिस के विरुद्ध में 61 ग्राम पंचायत के सरपंच संघ, सचिव संघ, रोजगार सहायक संघ, मजदूर संघ एवं ग्रामीणों के सामूहिक रूप से 13/4/2017 को रैली निकाली और इसका विरोध किया। सर अभी जैसे जनता प्रदर्शन और आपको ज्ञापन सौंपा गया किस विषय पर था? ये भूमि के व्यापवर्तन से संबंधित है, गांव में भोजन से संबंधित कुछ सर्वे हो रहा है और उसमें क्या है कि ग्रामवासी कह रहे हैं कि ग्राम सभा में हम लोग जो गोठान है, शमशान है, युवा खेल कल्याण है, जलाशय है, ये हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका भोजन हम ग्राम पंचायत वाले नहीं करने देंगे। इस संबंधी ज्ञापन है। किस प्रकार कार्रवाई करेंगे इस विषय पर? इसको मैं आगे भिजवा दूंगा। ये क्या है, भोजन का जो कार्य है वो उच्चाधिकारी के द्वारा होता है, इस कार्य से, इस कार्यालय से ज़्यादा संबंधित नहीं है, इसको भिजवा देंगे। ये कंपनी के विरोध हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारा है, इसको हम न शासन प्रशासन किसी को नहीं देना चाहते, न कंपनी को नहीं देंगे। आज जिस प्रकार से हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे उग्र आंदोलन करते रहेंगे और हमारे एरिया को हमको बचाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न क्या हम लोग करने ही नहीं देंगे। मैं वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समस्या को देखते हुए यहाँ के वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को 94-25-53-23-80 पर फ़ोन करें और इस समस्या से उन्हें अवगत कराएं और ग्राम सभा का महत्व बना रहे। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।